नमस्ते, आज हम बनाएंगे एक स्वीट रेसिपी और सबसे पॉपुलर रसमलाई। चलो फिर देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1 लीटर दूध। दूध गाढ़ा वाला होना चाहिए, उसे एक पतीले में डालकर इसे उबालने के लिए छोड़ दें। उबालते समय करछी हिलाते रहिए। जब इसमें एक उबाल आ जाए तब हम फ्लेम को सिम में करके एक बाउल में लेंगे 2 टेबलस्पून नींबू का रस, उसमें 2 टेबलस्पून पानी मिलाइए और इसे अच्छी तरह से मिलाकर थोड़ा थोड़ा करके हम दूध में डालेंगे ताकि दूध हमारा फट जाए। और इसका अब हम छेना निकाल लें। एक ही बार में 1 ही टेबलस्पून डालें और इसे अच्छी तरह से मिला लें। याद रहे हमारा फ्लेम सिम में होना चाहिए। देखिए ऐसे हमारा दूध फट जाएगा। अब हम इसे छान लेंगे ताकि इसमें जो पानी है वो निकल जाए। पहले लेंगे एक छलनी, उसके ऊपर एक कॉटन का कपड़ा डालकर उसके ऊपर जो हमने दूध को फाड़ा था वो डालेंगे। और इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा ठंडा पानी ताकि जो हमने नींबू का रस मिलाया है उसका फ्लेवर निकल जाए। अब हम जो बचा हुआ पानी है उसे भी निकाल लेंगे और इसका एक गाठ बनाकर इसे छलनी के ऊपर रख देंगे और इसे 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। बीस मिनट के बाद जब इसका सारा पानी निकल जाए तो हम इसे एक परात में निकाल लेंगे और इसे अच्छी तरह से मल लेंगे जब तक ये थोड़ा सा सॉफ्ट ना हो जाए। हम इसे मलने के लिए अपना पाम यूज़ करेंगे, इससे हमारा छेना जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगा। जब ये सॉफ्ट हो जाए तब हम इसमें मिलाएंगे 1 टेबलस्पून सूजी यानी कि मीडियम रवा और 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डालकर इसे अच्छी तरह से मिला लें। अब इसका एक सॉफ्ट डो तैयार होगा। इसे एक कॉटन के कपड़े से ढके और 20 मिनट के लिए अलग रखें। 20 मिनट के बाद हम इसका एक छोटा सा हिस्सा लेंगे और इसे अच्छी तरह से मलकर इसे और सॉफ्ट करेंगे और इसका छोटे छोटे पेड़े तैयार करेंगे। देखिए ऐसे आप जैसे चाहिए वैसे इसके शेप बना सकते हैं। लीजिए मैंने सब छेना बॉल्स तैयार करके रखा है। अब हम लेंगे 1 कप शक्कर और उसमें डालेंगे 4 कप पानी और इसे अच्छी तरह से उबालने के लिए छोड़ देंगे। जब इसमें एक उबाल आ जाए तब हम इसमें एक एक करके जो हमने छेना के बॉल तैयार करके रखे थे उसे डालेंगे। हमारा फ्लेम सिम में होना चाहिए और इसे ढककर अच्छी तरह से पका लें करीब 20 मिनट तक। 20 मिनट के बाद हमारे छेना के बॉल उसका डबल साइज हो जाएंगे और हमारे रसमलाई के बॉल्स तैयार हो जाएंगे। अब हम एक पतीले में लेंगे करीब 1/2 लीटर दूध और इसे अच्छी तरह से उबाल लेंगे जब तक इसका क्वांटिटी 3/4 ना हो जाए। तब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप कंडेंस मिल्क और केसर जो हमने 2 टेबलस्पून मिल्क में भिगो के रखे थे और 1 टेबलस्पून चिरौंजी, 8 से 10 बादाम जो हमने बारीक काटा है और 8 से 10 पिस्ता उसे भी हमने बारीक काटा है और 1 टीस्पून इलायची का पाउडर डालकर इसे अच्छी तरह से उबाल लें। अब हम जो छेना के बॉल उबाल के रखे थे उसे एक एक करके निचोड़ के दूध में डालें। फ्लेम को ऑफ करके और इसे ढककर 2 घंटे के लिए ऐसे छोड़ दें। 2 घंटे के बाद सब छेना के बॉल्स दूध को सोख लेंगे और हमारे रसमलाई भी तैयार हो जाएगा। लीजिए तैयार है हमारे रसमलाई बिल्कुल मार्केट स्टाइल में।
अब हम इसे ठंडा सर्व करेंगे, इसे फ्रिज में रख कर सर्व करें, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। इसे ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।